हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं पहाड़ों में, एक गांव है जो तीसा में पड़ता है, चुरा वैली में, जिसका नाम है जज्जा कोठी। तो आइए अभी आपको थोड़ा गांव का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए सामने लोगों की फसलें हो गई हैं पूरी, ऑलमोस्ट सब ने अपनी अपनी छतों के ऊपर फसलें रखी हुई हैं सुखाने के लिए। देखिए, और एक ये यहाँ पे इनका छोटा सा एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में इनके कोई भी लोकल फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह कुछ भी रहता है, तो ये लोग यहीं से करते हैं। और अभी रामलीला वगैरह का भी चला हुआ है, तो वो भी अभी यहीं चली हुई इनकी। ये देखिए, ये पूरा ऊपर गांव है। तो ये जो गांव है, इस गांव का नाम है जज्जा कोठी। जज्जा इसका तो पुराना नाम था, इसके साथ कोठी जो शब्द जुड़ा था वो जुड़ा था। ये जो देखिए एक पुरानी कोठी है, बहुत सालों पहले की। ये देखिए, इसकी वजह से इसका नाम जज्जा कोठी बना। ये देखिए, पहले के पत्थर जैसे लगे होते थे और बीच में देवदार की लकड़ी, बहुत पुरानी है और आज तक लकड़ी वैसी की वैसी है। तो हमारे भाई हैं हमारे साथ, राजू भाई। राजू भाई से मैं पूछता हूँ, राजू, ये नाम कैसे पड़ा इसका, और ये कोठी जो है इसका क्या महत्व है इसका यहाँ पे, मतलब इनमें जज्जा कोठी के साथ क्या हिस्ट्री है इसकी, थोड़ा बहुत कुछ बताओ हमारे भाइयों को। ये भाई पुराने टाइम में ना, राजाओं के टाइम की। अच्छा। तो वैसे क्या होता था पहले गांव-गांव में, मतलब एरिया में, जैसे एक ही परंगना है बनौता करके, तो एक परंगने में एक आधा राजा होता था, तो जो वो वहाँ रहता था, जो उसका मकान होता था, उसको कोठी ही बोलते थे, राजा की कोठी। अच्छा। तो जो इस एरिया का राजा होता था वो यहाँ रहते थे, उसका ही एक टाइप का मकान था, और जो बाकी जनता होती थी ना, उन्हीं से वो लोग काम कुम भी करवाते थे, कैद खाने वगैरह भी उन्होंने यहाँ रखे हुए, यहीं थे कैद खाने को सजा वगैरह देते थे। अभी जो ये पौड़ी है, सीमेंटेड है ना, ये बाद में बनाई गई। अच्छा, ये नीचे पहले यहाँ लकड़ी की पौड़ी थी, उस पौड़ी के नीचे अंदर एक रूम टाइप बनाया हुआ था अंधेरा, किसी को कैद करना हो तो यहाँ से अंदर डाल देते थे, बाहर से कुंडी लगाई, ताड़ा लगा दिया, अंदर कुछ नहीं, लाइट ना कोई कुछ, वही जैसे काले पानी की सजा होती है, बिल्कुल बंद। अच्छा। तो ये राजाओं के टाइम की कई जगह है हमारे यहाँ इलाके में। अच्छा। तो उस गांव का नाम ही कोठी के साथ पड़ा था, नहीं कोठी से ही कोठी, जज्जा कोठी, हिंद्री कोठी, सब का यही है, जहाँ कोठी है वहाँ कोठी जुड़ गया उसके साथ। और हैं राजाओं की उस टाइम, और ये लकड़ियाँ तो बहुत पुरानी होंगी ना, जबकि बने हुए उसी टाइम की होंगी, उसी टाइम की है। अभी तो ये हमारे फादर लोग भी हैं जो उनको भी नहीं पता कहाँ कहाँ से आए, यहाँ बड़े दूर दूर से आई होंगी। तो क्या होता था, राजा लोग होता वहाँ से, जंगल के पास मान लो कोई बनता है, वो सामने जंगल दिख रहा है, अब वो भी इस राजा के अंदर आ रहा है, उसको ऑर्डर देगा जो वहाँ से मेरे को इतने का इतने का एक लकड़ चाहिए, तो उसको लाना पड़ेगा, राजा का ऑर्डर आया, नहीं मानेगा तो वो कैद हो गया। अच्छा। तो इसका कोई पता नहीं कौन सी लकड़ी कहाँ से आई हुई है वहाँ, मतलब उस जंगल से लेकर के 5-6 किलोमीटर इधर एरिया तक कहीं से भी आ सकती है कोई भी लकड़ी, जिसको ऑर्डर मिला उसको वो काम करना ही पड़ता है। तो कोठी उस वजह से नाम है, जो राजाओं के घर होते थे कोठियाँ बनाते थे वो लोग, उस गाँव में हर जगह जहाँ कोठी है तो कोठी के नाम से ही है काम, राजा कोठी, थनी कोठी, इस हिसाब से नाम रखते हुए। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसी ये है कोठी की हिस्ट्री, और जितनी भी कोठियाँ, मतलब कोठी नाम से कुछ चीज़ें पड़ी, तो आप समझ जाइएगा जाके चंबा में कि वहाँ कोई ना कोई इसी तरह की कोई पुरानी कोठी होगी, राजाओं से मिलती जुलती आइटम, तो इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।